नगर पंचायत कंडाघाट में स्थानीय प्रशासन द्वारा गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट एवं वाहन चालकों का ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया गया। ये टेस्ट राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट के खेल मैदान में आयोजित किया गया। यहां सभी कार्य मोटर वाहन निरीक्षक जतिन मेहता की अध्यक्षता में आयोजित किए गए, जिसमें उपमंडल के क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए मौके पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसकी वजह से काफी देर तक जाम की स्थिति भी देखने को मिली। कंडाघाट वासियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जल्द ही प्रशासन की मुस्तैदी से जाम खुलवा भी दिया गया। टेस्ट देने आए स्थानीय निवासियों ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से ड्राइविंग टेस्ट और गाड़ियों की पासिंग नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लाइसेंस और गाड़ियों की पासिंग ना होने की वजह से लोग अपने निजी वाहन नहीं चला पा रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी थी, लेकिन अब जिला प्रशासन के द्वारा ये सुविधा खोल दी गई है, इसलिए वे ड्राइविंग टेस्ट देने पहुंचे हैं। इस सुविधा को फिर से खोलने के लिए उन्होंने जिला प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। वहीं सभी ने निवेदन भी किया कि कोरोना के नियमों को सख्ती से पालन करें और अपनी सुरक्षा भी स्वयं रखें। जगदीश शर्मा, ये कंडाघाट का स्थायी निवासी हूँ। आज यहाँ कंडाघाट के स्कूल परिसर में, स्कूल ग्राउंड में गाड़ियों की पासिंग और लाइसेंस की प्रक्रिया जो बहुत दिनों से बाधित थी, क्योंकि पिछले दिनों कोरोना काल की वजह से ये सारे काम बंद थे, इसलिए आज यहाँ जो सरकार ने लॉकडाउन खोला उसके कारण जो लोगों को अभी तक असुविधा थी, गाड़ियाँ रोड पे नहीं चला पा रहे थे, लाइसेंस धारकों के पास लाइसेंस नहीं था, आज ये सुविधा सरकार ने दी है, तो ये सरकार का हम शुक्रिया भी करते हैं और यहाँ जो प्रशासन है उनका भी हम शुक्रिया करते हैं कि ये सभी लोगों के रुके पड़े काम जो थे वो दोबारा से हुए और सुचारू रूप से लोग अपने गाड़ियाँ रोड पर चला सकेंगे। गाड़ियों की पासिंग और ड्राइविंग टेस्ट नहीं हुए थे क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तो मैं स्थानीय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी समय बाद आज जो है लोगों को राहत दी है, ड्राइविंग टेस्ट और गाड़ियों की जो पासिंग्स हैं वो आज यहाँ की जा रही है, जिसके संदर्भ में यहाँ काफ़ी लोग आए हैं। और मैं सभी लोगों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसे सभी फॉलो करें और प्रशासन का साथ दें।